हेलो चिल्ड्रेन दिस इज अंजुम शेख टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ब्लॉक धरसीमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड इन क्लास सिक्स एंड सेवन आपने क्लास सिक्स और सेवन में एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी जो है वो पढ़ी है रिकलेक्ट स्टोरी इन ग्रुप्स आप ग्रुप बनाइए और उन को रिक्ट कलेक्ट कीजिए शेयर वन ऑफ योर ड्रीम्स विथ योर क्लासमेट्स और अपने दोस्तों के साथ अपना एक ड्रीम एक सपना जो है वो शेयर कीजिए डीड यू हेयर हाउ द क्वीन ऑफ हर्ट्स मैट द टार्ट्स क्या आपने सुना है कि क्वीन ऑफ हर्ट्स यानी कि ताश के पत्तों की रानी ने एक पकवान बनाया था टार्ट्स And you tell what became of them. Or आपको पता है कि उसका क्या हुआ? क्या आप बता सकते हैं? The song tells you about it. तो इसके बारे में आपको ये song से जानकारी मिलेगी. The queen of hearts she made some tarts all on a summer day. The knave of hearts stole the tarts. तो क्वीन ऑफ हर्ट ताश के पत्तों की रानी जो है शी टार्ट्स टार्ट्स मीन होता है बच्चों एक मीठा व्यंजन पकवान उसने एक पकवान बनाया All on a day, गर्मी के दिनों में दैव ऑफ हर्ट्स नैव ऑफ हर्ट यानी होता है ताश के पत्ते का गुल्लू स्टोल द टार्ट्स उसने उस पकवान को चुरा लिया वाई वॉज एलिस कॉल्ड एज अ विटनेस तो यहां पर एलिस को एज अ विटनेस एक गवाह के रूप में क्यों बुलाया गया एंड टुक देम क्लीन अवे और उन्हें वहां से बुला लिया गया जस्ट बिकॉज देर वॉज अ लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव दे हैड टेकन हिम अ प्रिजनर सिर्फ इसलिए क्योंकि उस छोटे से गीत में यह मेंशन किया गया था कि ताश के पत्ते के गुल्लू नेव नहीं उस पकवान को चुराया है इसलिए उसे उठाकर कैदी बना दिया गया दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग ऑफ हार्ट वे उसके कलाइयों में उन्होंने जंजीरें बांध दी उन्हें जंजीरों से जकड़ लिया और उसे ताश के पत्तों के किंग राजा के सामने पेश किया सो दैट देर माइट बी ए रेगुलर ट्रायल इसलिए वहां पर एक एक रेगुलर ट्रायल यानी कि एक कोर्ट केस की सुनवाई होने लगी यहाँ देखिए आप लुक एट द पिक्चर ताश के पत्तों के गुल्लू ने गुल्लू को जंजीरों में जकड़कर लाया गया है ट्रायल मींस होता है बच्चों एक कोर्ट केस की सुनवाई जब एक किसी कोर्ट में किसी केस की जीरा चलती है तो उसको हम ट्रायल बोलते हैं द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड विद अ बिग क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हिज विग विग यानी होता है बच्चों नकली बाल तो लुक एट दिक्चर आप देख सकते हैं कि जो राजा है ताश के पत्तों का राजा किंग वो बहुत ही ग्रैंड दिखाई दे रहा है उन्होंने अपने सिर पर विग के ऊपर एक क्राउन क्राउन यानी कि होता है मुकुट लगाकर रखा है बट ही है राजा ने दोनों ही लगाया है विग और क्राउन दोनों वो इसलिए क्योंकि लोग यह जान सके कि वह राजा के साथ साथ एक जज भी है. क्रॉस फॉर शी हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टार्ड एंड द बैड यह बताती है कि किस तरह से उन्होंने बहुत कष्ट उठाकर यह पकवान बनाया था और उसे उस बुरे नेव ने चुरा लिया द वाइट रेबिट स्टूड नियर द किंग सफेद खरगोश राजा के पास खड़ा था रीड आउट द सॉन्ग टू टेल एवरीबडी वॉट अ बैड नेव He was and to decide whether he was guilty or not guilty. Guilty यानी होता है बच्चों गलत काम करने वाला तो सफेद खरगोश उस गाने के जरिए यह बताने के लिए सभी को यह बताने के लिए खड़ा था कि वह जो नैव है उसने गलत काम किया है या नहीं किया है यह तय करना है एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स एंड शी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस अ पर्सन हु हैज सीन द प्रिजनर डू वॉटर हिज एक्यूज ऑफ और नो समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट इन अ ट्रायल बच्चों विटनेस यानी होता है गवाह ज्यूरी बॉक्स यानी कटघरे जिस ज्यूरी बॉक्स के में खड़े होकर जो गवाही देता है उसे हम ज्यूरी बॉक्स कहते हैं ज्यूरी मींस होता है अभी निर्णायक जो निर्णय देते हैं ज्यूरर्स ज्यूरी के सदस्य और का होता है आरोप लगाया तो एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द ज्यूरी बॉक्स ज्यूरी बॉक्स के पास एलिस जो है वो बैठी थी एंड शी वाज कॉल्ड एज अ विटनेस और उसको एक विटनेस एक गवाह के रूप में वहां बुलाया गया विटनेस यानी होता है बच्चों अ पर्सन हु हैज सीन द प्रिजनर डू वॉट एवर ही इज वॉट एवर ही हैज एक्यूज विटनेस मींस होता है एक व्यक्ति जिसने कैदी को जो भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया है वह करते हुए देखा है और नोज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट ट्रायल या फिर वह कुछ महत्वपूर्ण बात जानता है जो कि कोर्ट की, की सुनवाई में काम आ सकती है Who stole the tarts? Tarts को किसने चुराया बट एलिस अबाउट इट लेकिन एलिस तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी वाय इन दर्ल्ड डिड दू बी थॉट सोचती कि इस पूरी दुनिया में उसे ही क्यों एक विटनेस या गवाह के रूप में लाया गया है वह सोचती है द रैबिड ब्लू ट्रम्पेट एंड शाउटेड आउट एलिस एंड एलिस जम इन ग्रेट हरी रैबिड जो है वह बहुत जोर से चिल्लाता है एलिस के ऊपर लेकिन एलिस जो है वो जल्दी में कूद जाती है कट से बाहर एंड हर स्कर्ट ओ इट कॉट अगेंस्ट दूरी बॉक्स एंड ट्रिप्ट इट ओवर और जब वो ज्यूरी बॉक्स से कूदती है तो उसके फ्रॉक का जो स्कर्ट होता है वो उसमें अटक जाता है फंस जाता है और वो फंस जाती है एंड ऑल द पुअर लिटिल ज्यूरर्स केम टम्बलिंग आउट ऑफ इट और जितने भी ज्यूरर्स यानी ज्यूरी के सदस्य होते हैं क्योंकि वो एक पैक ऑफ कार्ड है तो वो सारे कार्ड्स उसके ऊपर गिरने लगते हैं एलिस पिकड देम ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली और एलिस उन सबको बहुत सावधानी से हटाती चली जाती है द किंग वांटेड द जूरी टू सेटल whether the knave of hearts was guilty or not guilty और किंग जो है वो जूरी के सदस्यों से यह जानना चाहता है कि जो गुल्लू है ताश के पत्तों का गुल्लू वह गलत है या नहीं है द क्वीन वॉन्टेड टू पनिश देम रानी उन सबको सजा देना चाहती है द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो उस नेव को पनिशमेंट देना चाहती है बट एलिस लेकिन एलिस सेड इसलिए एलिस कहती है स्टफ एंड नाउन सेंस द क्वीन सेड ऑफ विथ हर हैड जस्ट वॉट शी ऑलवेज सेट वेन शी वॉज एंग्री लेकिन अजीब और बेकार है, है कहा Off with her head, इसके सिर पर मारो Just what she always said when she was angry. यह वह हमेशा कहती जब वो एंग्री होती है क्रोधित होती है सो एलिस रिप्लाइड इसलिए एलिस जवाब एलिस ने जवाब दिया फॉर यू यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ यू तुम्हारे बारे में कौन ध्यान देता है तुम एक कार्ड्स के पैक के अलावा कुछ भी नहीं हो सो वर ऑल एंग्री इसलिए वे सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं एंड फ्लू अप इनटू द एयर और हवा में उड़ने लगते हैं

इस जिज्ञासा रूपी सपने से बाहर चली आती है एंड शी फाउंड दैट द कार्ड्स वर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्री और वाह उसने यह पाया कि ये जो कार्ड्स हैं वो सिर्फ पेड़ की कुछ पत्तियां हैं दैट द विंड हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस जो कि हवा के कारण उसके फेस पर उड़कर चली आई थी वुडन इट बी ए नाइस थिंग टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम क्या यह एक बहुत अच्छी बात है कि आपको भी इस तरह के क्यूरियस ड्रीम्स आए जस्ट लाइक एलिस एलिस की तरह टू हैव अरियस ड्रीम लाइक एलिस लाई डाउन शट यूर आई स्टाइट गुड बाय एलिस डर गुड बाय तो एलिस की तरह क्यूरियस ड्रीम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा लाई डाउन लेटना पड़ेगा तो आप लेट जाइए अपनी आँखें अच्छी तरह से बंद कर लीजिए गुड बाय एलिस बच्चों अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं आंसर of hearts द as ऑफ prisoner? टेकन एज अ प्रिजनर सो आंसर इज was taken टेकन एज अ प्रिजनर बिकॉज was a अ सॉन्ग दैट stole टार्ड्स तो ताश के पत्तों के गुल्लू को सिर्फ इसलिए उठाकर लेकर चला गया क्योंकि उस छोटे से गीत में यह मेंशन किया गया था कि उसी ने क्वीन के द्वारा बनाया गया टार्ट चुराया था वाई डिड द किंग आर द विग एंड द क्राउन राजा ने विग और क्राउन क्यों पहना था द किंग wig and एंड द क्राउन सो people पीपुल माइट नो he वॉज अ जज एज वेल एज द किंग राजा ने वीग और क्राउन दोनों इसलिए पहना था ताकि लोग यह जान सके कि वह एक राजा के साथ साथ एक जज भी है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी में दे आर इन द्यूरी ज्यूरी में कितने मेंबर थे दे आर वो फिफ्टी टू मेंबर्स इन द ज्यूरी बिकॉज द ज्यूरी वॉज अ पैक ऑफ कार्ड्स ज्यूरी मेंबर्स की संख्या जो थी वो फिफ्टी टू थी क्योंकि यह एक पैक ऑफ कार्ड्स है

ऑनली सम लीव ऑफ द ट्री दैट ही दिन डाउन अपॉन हर फेस यह एक जो है ड्रीम है और आपको यह शुरू में बताया गया है क्योंकि एलिस जो है उस अंत में यह पाती है कि पेड़ के कुछ पत्ते ही उसके ऊपर गिर रहे थे ये ताश के पत्ते नहीं थे जो हवा के द्वारा उसके ऊपर लाए गए थे वाई डिड द कार्ड बिकम एंग्री कार्ड जो है क्रोधित क्यों हो जाते हैं कार्ड्स बिकम एंग्री बिकॉज एलिस फॉर देम एज देर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड कार्ड इसलिए एंग्री हो जाते हैं क्योंकि एलिस ने कहा कि आपके बारे में कौन ध्यान देता है क्योंकि आप लोग सिर्फ एक पैक ऑफ कार्ड्स हैं लिस्ट आउट दर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट आर रिलेटेड टू अ ट्रायल एक रेगुलर ट्रायल से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पर लिस्टिंग करना है देखिए आंसर विग एक गिल्टी ज्यूरर ज्यूरी बॉक्स नॉट गिल्टी विटनेस एंड प्रिजनर हियर इज अ होमवर्क क्वेश्चन राइट अबाउट वन ऑफ स्ट्रेंज ड्रीम्स आप भी बहुत सारे ड्रीम्स देखते होंगे तो उनमें से आपको कोई एक स्ट्रेंज ड्रीम के बारे में लिखना है तो ओके बच्चों गुड बाय See you soon.